एक दिन तो मुनीम चाय पिलाओ पिलाओ ताज होटल में। ताज होटल बहुत महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम चाय पीने गए थे और भाई साहब हम इतने पैदल चल रहे थे और मुनीम ये बोल रहा है कि इधर से बस नहीं मिलेगी कि आप पैदल। तो भाई साहब देखो ये बदल का सीन कितना खतरनाक लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और खुश रहा कर रहे हैं। तो अभी बज रहे 10:30 सुबह के और आज जाने वाला हूँ मैं बाहर। हमारे गांव का एक लड़का रहता है मुंबई में, मरीन नाम का, तो उसका कॉल आया था कि आज चलते हैं बाहर कहीं पर, तो उसके साथ जाऊँगा। और वैसे तो मैं अकेला जाता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता। तो अभी से पहले खाना खा पी के नहा धो के फ्री हो के निकलते हैं। और हमने ये रूम चेंज कर लिया, पहले एक मंजिल ऊपर था, अभी एक मंजिल नीचे आ गए। जस्ट बिल्डिंग वही है पहले वाली, ये रूम है। तो भाई साहब अभी हो गया हूँ मैं रेडी बिल्कुल, नहा धो के अभी खाना खाना है बस। और बाहर का मौसम बता देता हूँ, आज का मौसम बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल धूप नहीं है थोड़ी भी। आज सुबह ही बरसात हुई है तो मौसम भी अच्छा है, घूमने में भी मज़ा आएगा। ब्लॉग पूरा देखना ठीक है। अभी यहाँ से 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे चर्च गेट पहुँचने में, वहीं पे मिलेगा मुझे मुनीम। खाने में आलू की सब्ज़ी और फली, गेहूँ की रोटी चौपड़ी हुई। खाना खा पी के रूम पैसे भी निकल गया हूँ। कल बात तो पहुँच गया, यहाँ से दादर जाना पड़ेगा अभी मुझे, तो दादर से चर्च गेट के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो भाई साहब ट्रेन भी आ गई है, ट्रेन में बैठ के चलते हैं। अभी थाने पहुंच गया हूँ और थाने में जाके बिल्कुल खाली हो गया, देखो कोई भी नहीं बचा, सब पूरी खाली हो गई है बिल्कुल। और मेरा रेलवे स्टेशन आया चर्च गेट, यहीं पे है मुनीम, यहीं पे इंतजार कर रहा है वो। तो भाई साहब मुनीम मिल गया मुझे यहाँ पे, ऐसी बस आई उसमें बैठ के जाएंगे। 112 नंबर है शायद, ये लाइन लग गई है बस के लिए, एसी बस है ना, कह रहा हूँ नहीं। भाई साहब 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद बस आ गई है, सीट भी मिल गई है। और ये ताज होटल है, इधर ठंडा ठंडा मौसम, बिल्कुल बरसात का सा मौसम हो रहा है, बरसात भी आ जाएगी तो मज़े आ जाएंगे। ताज होटल में जाके अभी चाय पीने वाले हैं हम दोनों, आगे का भी वहाँ पे कोई ना कोई दिन, एक दिन तो मुनीम चाय पिलाओ पिलाओ ताज होटल में, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े इसमें जाना है। देख लो ये शानदार गुरुद्वारा है ताज होटल का, मस्त क्रूज भी दिखाएंगे हम आपको, बहुत सारे हैं इधर। मुनीम को धुआंधार फोटो शूट चल रहे भाई साहब। जैसा कि आप सोचते हो कि ताज होटल बहुत महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम चाय पीने गए थे लेकिन ऐसे ही चाय मिलती है जैसे नॉर्मल 12-10 रुपये की मिलती है, कोई अलग से वो नहीं डालती। जैसा कि आपको हमने आगे बता दिया है आगे के ब्लॉग में कि आज हम बॉम्बे घूमने आए हैं, बॉम्बे में जो भी चर्च गेट की तरफ घूमने आए हैं, इसमें गेट ऑफ इंडिया है, ताज होटल है और ये ओबराय होटल है। पता नहीं यार, हमें तो पहली बार आए तो हमें ज़्यादा लोकेशनों के बारे में कुछ पता नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा है घूम के हमें, और हम ये मुंबई के समुद्र के तट पर घूम रहे हैं, और आपको भी बड़ी खुशी होगी, हम भी आपसे बोल रहे हैं कि आप भी आएँ यहाँ पर, बढ़िया एकदम एंजॉय करें, एंजॉयमेंट लें। और आपको अगर बॉम्बे घूमना है तो अब के बाद हमसे आके संपर्क करें, क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, बाकी आगे का हम ही आगे बताएंगे आपको। आगे जा रहे हैं अभी गेट ऑफ इंडिया की साइड। होटल तो बहुत देख लिया है, अभी गेट वे ऑफ इंडिया देख लो, उधर जाके एंट्री, उधर से होके फिर इधर आएंगे हम इसके सामने जाके। भाई साहब भीड़ भाड़ भी काफ़ी है, आज सोमवार है फिर भी इतनी भीड़ है, संडे होता तो क्या होता। हमारी हो चुकी है एंट्री इंडिया गेट के अंदर, ऑफ इंडिया पे हमारी एंट्री हो चुकी है। जोर से बोल यार, गेट ऑफ इंडिया पे हमारी एंट्री हो चुकी है। आपको पहले भी बताया हम ताज होटल पूरा देख के अब गेट ऑफ इंडिया आ चुके हैं, और बाकी का आगे बहुत अच्छा दृश्य है देखने के लिए, बाकी हम दिखाएंगे आगे, कोई बात नहीं, टोटल ब्लॉक आपको शाम को मिलेगा। अभी आ चुके हैं हम अंदर, तो यहाँ से देख लो एक बार। मुनीम कुछ बोलना चाहेगा?
मैं अभी साइलेंट हूँ, थोड़ा मैं नज़ारा देख रहा हूँ, बाकी देख के और सब कुछ परख के जब आपको बताने पड़ा हूँ क्या सीन है क्या नहीं है क्या कुछ। जैसा कि आपको पता है ये मुंबई में गेट ऑफ इंडिया है। यहाँ पहले जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी तब यहाँ पे जो जहाज़ों से माल आया करता था वो इसी जगह उतारा जाता था। जो लोगों के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए उस युग में तो हम नहीं जाना चाहते, बट अच्छा है, काफ़ी बहुत बेहतर है देखना। अभी यहाँ पे पूरा सिस्टम बंद कर रखा है वो तो, क्योंकि इसका काम चल रहा है, दोबारा से नवनिर्माणित किया जा रहा है इसको, मतलब अच्छा दिखाने के लिए अच्छा किया जा रहा है। और भाई साहब इनका कैमरा तो बहुत ख़तरनाक है, देखो ये इधर एंट्री बंद कर रखी है क्योंकि इधर मूवी की शूटिंग होने वाली है, दुलकर सलमान की मूवी है, उसकी शूटिंग होगी इधर। अभी शहर तो एंट्री बंद है और सामने से देख लो जो भी है 10-15 मिनट और घूम लेते हैं यहाँ पे, फिर मरीन ड्राइव जाएंगे, उसके बाद मुनीम ले जाएगा, पता नहीं कहाँ पे ले जाएगा। मतलब जैसा कि भाई साहब आपको पता नहीं है बट हमें भी यहाँ के पता चला, आज कोई साउथ का एक्टर है दुलकर सलमान, उसकी आज शूटिंग है ये गेट ऑफ इंडिया पे, तो उसी कारण आज हमारा क्या थोड़ा कम टाइम मिला हमें यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि आगे नहीं जाने दे रहे हमें, तो अब यहाँ से हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और यहाँ से सीधा निकलेंगे मरीन लाइन के लिए। मरीन लाइन से 4 किलोमीटर आगे मुकेश अंबानी का घर है, शायद हम वहाँ भी जा सकते हैं, उन्होंने हमें बुलाया है, उनके बेटे की शादी है, एंगेजमेंट है 12 जुलाई की, तो शायद उसमें हमें बुला सकते हैं, वो इनविटेशन भेज सकते हैं हमें, क्योंकि हम दो ऐसे लोग हैं जो अलग ही दिख रहे हैं यहाँ पे, आऊ माऊ नहीं कर रहे लोगों की तरह, क्या खाना पूरा इंजॉय मतलब लग रहे हैं कि हाँ गांव वाले। जैसा कि आपको दिख रहा हमने ताज होटल भी देख लिया, गेट ऑफ इंडिया भी देख लिया, अभी वो दुलकर सलमान हीरो भी आ रहा है, उसके भी साथ मीटिंग कर सकते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हम टाइम के बड़े पाबंद हैं, इसलिए हम चले मरीन लाइन के लिए। अभी निकल रहे हैं यहाँ से हम मरीन ड्राइव के लिए, चल दिए भाई साहब अभी टाइम हो गया है, हम आपको ज़्यादा नहीं तड़पाएंगे, थोड़ा सा निकलते हैं अभी, फिर एग्जिट के पास पहुँच चुके हैं हम, जहाँ से बाहर जाने का रास्ता है वो आपको पता ही है, थोड़ी इंग्लिश यूज करनी पड़ती है और ब्लॉक में मज़ा नहीं आता। अभी 3:15 बज गए, 4:15 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। 4:15 यहाँ से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है चर्च। बस भी तो मिलेगी, हाँ बस के लिए थोड़ा, बस तो खड़ी, बस अभी खड़ी है तो हम जा रहे हैं। और भाई साहब हम फिर से बैठ गए बस में और अभी जा रहे हैं मरीन लाइन, पहले चर्च गेट फिर मरीन लाइन। और गलती से हम स्त्री वाली सीट में बैठ चुके हैं, हटा ना दे बीच में कोई आके, बस में सोतर कर पैदल पैदल चल दिए मरीन लाइन के लिए, पास में मरीन लाइन है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 200 मीटर होगी बस पैदल। और अभी दिखाते हैं जाके आपको समुंदर, समुंदर की लहरें। और भाई साहब पहुँच गए हम मरीन लाइंस, आज का मौसम अच्छा है तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे भी। तो मज़ा तो आ रहा है घूमने में क्योंकि मौसम मस्त है आज का, बिल्कुल दोपहर ही नहीं है, ठंडा मौसम है। कि हम बहुत दूर आ गए घूमते घूमते, उधर से एंड से आए और इधर एंड आने वाला अभी, और उधर बीच है उधर जा रहे हैं, तो अभी हमको वहाँ पे जाना, वो बीच दिख रहा है ना उधर जाना है, तो मुनीम जाएगा अम्बानी से मिलने, उधर बिल्डिंग है अम्बानी की, तो आज इसकी मीटिंग है अम्बानी जी से, 6 बजे मीटिंग है भाई साहब। कम से कम 20-25 मिनट हो गई हमको चलते चलते, लेकिन अभी बीच नहीं आया है, अभी आने वाला 2-5 मिनट में। बीच आओ ना अम्बानी घर आओ, अम्बानी के घर तो खो गया तब से, तो बिल्डिंग तो दिख रही लेकिन अब कुछ नहीं दिख रहा है, और 2 किलोमीटर दूर थी सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर, अब शायद हमें दिख जाए। यहाँ पे काम चल रहा है, ये समुद्र का पानी इधर आ गया पता नहीं कैसे, 20 पे अभी पहुँच गए, अभी थोड़ी देर में किनारे पर जाएंगे, और अभी उधर किनारा है, अभी मुनीर जा रहा है तो सुलभ शौचालय, अरे मूत्राश्रम मुफत है। बिल्डिंग दिख रही है ना बड़ी बड़ी दो, वो उधर से यहाँ तक पैदल पैदल आए, देख लो कब से चल रहे हैं, फाइनली पहुँच गए बिल्कुल किनारे।
फिर मुनी को मानी भर दिखाया होते नौकरों की जगह छः बजे चलो यार। तो भाई साहब अभी बज गए 5:30 और अभी हम चलते हैं वापस मरीन लाइन जाएंगे, फिर वहाँ से स्टेशन, स्टेशन से रूम पे। और मुनीम कुछ कहना चाहेगा? बस और एक बार बीच देख लो, ये उधर लास्ट में देख रहा ना वो मरीन ड्राइव है। और भाई साहब हम इतने पैदल चल रहे थे, अब मुनीम ये बोल रहा है कि इधर से बस नहीं मिलेगी, कि आप पैदल ही चलना है अभी, तो बस में जाना जरूरी है। बस चला ही नहीं था, पैदल ही जाना है, पैर दुखने लग गए इतने पैदल चल लिए हम। मन दुख की बात है, करते करते हम पहुंच गए मरीन लाइन दोबारा से। अब की बार तो पता ही नहीं चला टाइम का। और भाई साहब ये न्यूज वाले एनडीटीवी वाले मिल गए आज तो मुनीम को। मुनीम इंटरव्यू दे के आए एनडीटीवी वालों को। तो मुनीम आज का दिन कैसा थी वो बता। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बट यार परेशान हो गए। मजा तो आया ना? मजा आया। तो उधर बदल देखो कितने भयंकर हो रहे, बरसात आने वाली है बहुत भयंकर। तो अभी तो हम मतलब अभी 10-5 मिनट में पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन। तो भाई साहब देखो ये बदल का सीन कितना खतरनाक लग रहा है, बरसात हो रही है उधर तो। और भाई साहब बरसात आ गई है तो अफरा तफरी मच गई यहाँ पे, सभी लग गए भागने। मुनीम भाग रहा है, भाग मुनीम। और यदि जल्दी से नहीं पहुँचे ना तो हम भीग जाएंगे, हम भी भागते अभी, चल भाग। तो भाई साहब भाग भाग के हम मरीन लाइन को छोड़ के आ गए, हम 2 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन। हम पहुँच गए चर्च गेट रेलवे स्टेशन, यहाँ से 7 बजे गाड़ी है, टिकट भी ले लिया है और गोली जाएंगे। मैं दादर उतर जाऊंगा, ये बसई रोड जाएगा मुनी। तो भाई साहब अभी पहुंच गया मैं रूम पे, अभी 9 बज गए और हालत ख़राब हुई, पसीने पसीने आ रहे बिल्कुल। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। जिस भाई ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दे यार, वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नई ब्लॉग के साथ, बाय।